बता दे रहा हूँ कौन कौन पार्ट है। पार्ट 13 निर्मे पेज नंबर 197 क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाए। अब त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, लेकिन पी क्यू आर पेंसिल अभी तक किसी में बनाया नहीं, सब में बनाया हूँ क्या। पी क्यू आर में ऐसे मान लीजिए त्रिभुज हुआ, इसमें P कहाँ रहेगा, Q कहाँ रहेगा, R कहाँ रहेगा। P Q R ऐसे भी हो सकता है, P Q R ऐसे भी हो सकता है, ये पता नहीं है, है ना, ये पता करना है। पर त्रिभुज है, क्या है, P Q R दीवार, जिसमें कोण P Q R कितना है, 30 डिग्री। कोण क्या है, त्रिभुज P Q R में क्या है, कोण क्या, पी क्यू आर बराबर कितना है, 30 डिग्री, ऐसे लिख देंगे। हाँ 30 डिग्री, पी क्यू आर क्या है, 30 डिग्री, क्यू है 30 डिग्री का, 30 डिग्री कोण बनना आता है। अब यह 30 डिग्री कोण बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, इसके रख दिए, चीना काटेंगे छोटा सा, बिंदी हो गया, कंपास लिए रखे यहाँ पर, रख कर क्या करेंगे आप, आराम से इसे घुरा देंगे ठीक है। ये जो कटर बिंदु हो रहा है वहाँ रख के यहाँ काट देंगे, इसको बोलते हैं 60। ये लाइन क्या है, ये बिंदी क्या है, इस बिंदु मिलाओगे तो 60 हो जाएगा, ये 60 है, क्या है। अब 60 का आधा करेंगे तो क्या 30 होगा, आधा करने का नियम क्या है, यहाँ पर रखेंगे ये और ये, मतलब जिसको आधा करना है उस पर बिंदी, उस बिंदु पर रखकर काट देंगे ऊपर। तो ये जब इसके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, चल 30 का ही बनाना है। अब इसको मिला देंगे, 30 हो गया, 30 क्या बोला है, पी क्यू आर 30 डिग्री, इसको आप लिख देंगे बीच में क्यू, ये आर, ये पी, पी क्यू आर कितना हो गया, बन गया ये दूसरा। अगले का है पी आर क्यू 75 डिग्री, क्या है, अब आइए कोण पी आर क्यू कितना है, 75 डिग्री बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, चीना काटेंगे फिर से, हो गया। आप इधर बनाइए चाहे इधर बनाइए कोई बात नहीं, चलिए मैं इधर बना दे रहा हूँ, हो गया। पहले क्या करें उसी तरह हमेशा, हो गया, कोई भी माप का, ये कितना हुआ 60, ये कितना हो गया 120, 60 फिर हुआ ना, 60 कितना टोटल, यहाँ से यहाँ 60 है यार, यहाँ से यहाँ 60 है, लेकिन इस 60 को आधा करेंगे तो ऐसे ऐसे, इसको यहाँ मिला दे क्या हो जाएगा, ये आप 60 का आधा, अभी 90 हो रहा, मत बोलिए, ये 60 है ना, इसका आधा यहाँ कर देंगे, ये 30 और ये 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए मैं आपको दिखा दूँ, हमेशा इसको इस लाइन बुला देंगे, हो गया, ये 30 और ये इधर जोड़े तो ये 60 और 30 90, इधर से कितना हो गया, समझ में आया, 90 हमको चाहिए, कितना बना कितना का रहा है 75, 75 का ना, तो ये देखिए इधरों के बीच कितना 30 है ना, अगर आधा कर दे तो 15, आधा कर दे 30 को तो 15, इधर 60 और 15 कितना होगा, हो जाएगा 75, आधा, आधा करने का वही नियम, फिर जिसको आधा करना है उस दो बिंदु पर ऐसे करेंगे, कोई भी माप का रख कर काट देंगे, हो गया। अच्छा रहेगा अगर आप देखो ये फ्लैट में आ गया, मतलब कि बिंदु इसका बहुत मोटा ना आ गया, पता नहीं चल रहा है, तो अच्छा रहेगा इसके लिए क्या, ये गलत नहीं है, अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच का माप लीजिए, दूरी क्या करना है, जिसका आधा करना है, हो गया, माप लीजिए दूरी, अब काटिए, तो आपका
ये ठीक है, ठीक है, ये बिंदी अगर इसको मिला दें, इस बिंदी से इस बिंदी को पकड़ेंगे, ये 15 होगा, तो 60 और 15 75, 75 ही बनाना है, तो 75 को काटेंगे ऐसे, बाकी को ऐसे नहीं काटेंगे। हो गया, कितना होगा ये 75। नाम क्या है? पी आर क्यू, बीच में आर है, एक ही हो गया, ऊपर में पी लिखेंगे, पी आर क्यू बन गया 75। आगे फिर सवाल, पी आर क्यू त्रिभुज में 30 हो गया, 75 हो गया, क्यू आर कितना बड़ा है? 8 सेंटीमीटर। आइए, क्यू आर ना, क्यू आर कितना बड़ा है? पहले हम लोग करते हैं, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर। काट लेते हैं, 0 से चालू करेंगे, 8 तक जाएंगे, ये 8 है, बिंदु दबा दिए, 0 हुआ, क्यू और ए आर। बोलिए, समझे? हमने जो जो दिया था सब लिख लिए, आप त्रिभुज बनाने जा रहे हैं, 5 नंबर का आता है, आप अलग अलग बना दीजिएगा ऐसे तो अच्छा रहेगा, सब करने में सुविधा होगा, ठीक है, हम जैसे आप पहले बनाते जाएंगे। अब आते हैं चिन्ह, दबा दिए, हो गया, थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ, इधर का काम है ज़्यादा। हो गया, चलिए अब ये त्रिभुज किस पर बनाना है, किस कौन सा त्रिभुज बनाना है? पी क्यू आर, कौन सा? पी क्यू आर। अब आइए सबका मान, जैसे ये था ना, कौन सा पी कौन सा क्यू, समझिए क्यू आर रेखा बोला है, ये किस किस कोण पर है, ये क्यू कोण है, इस पर कितना है? आर पर है। अगर हम क्यू आर यहाँ लिखे तो पी क्यू आर ऐसे, तो आर पर ये बन जाएगा इतना डिग्री का, ये रब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रब, ये कितना होगा? 75। तो ये नीचे रेखा रहेगा क्यू आर, इस पर बनाएंगे 30, इस पर बनाएंगे, इस पर बनाएंगे 30, इस पर बनाएंगे, आ गया। अब इसी को मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, इस पर हम क्या बनाएंगे, पी क्यू आर ना, क्यू आर कंपास का आ गया, माप लेंगे क्यू आर, माप देखिए, अब माप माप करेंगे, सबको माप माप कर बैठाना है, रेखा को मापना है, बुलाने आ गया ना, इसको मापना है और माप माप कर इस पर बैठा देंगे, कैसे मापा जाता है देखिए, पहले क्यू आर रेखा को मापें, इस पर रखेंगे, रख कर ठीक ठीक बिंदी पर रखना, काट दिए, हो गया, बिंदी को दबा देंगे, हो गया। ये क्या है नाम इसका? क्यू, और इसका आ गया, क्यू पर बनाना कितना डिग्री? 30। ये देखो क्यू का है ना 30, क्यू पर बनाना कितना? अब इसको इस पर बैठाएंगे, क्यू पर कैसे बैठाएंगे ध्यान दीजिए, बैठाने के लिए सबसे पहले इस पर आएंगे, बिंदी पर रखेंगे, कोई भी माप जो आपको सुविधा हो, कोई भी कितना भी बड़ा जो आपको सुविधा हो ले लीजिए, ले लीजिए, मान लो हमको ये सुविधा हो ले लिए, लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे, इनमें क्या काट दिए, क्या किए पहला काम, काट दिए, जिस माप से काटे हैं बड़ा छोटा मत करिएगा, वही माप यहाँ आएगा, क्यू पर रखेंगे और फिर किताब को काटेंगे, वही क्या करेंगे यहाँ पर रख कर काट दिए, बोलिए समझ में आया पहला काम। अब इन दोनों के बीच का दूरी मापेंगे, बिंदी पर रखें और यहाँ मापे थे ना, कलम मत करिएगा गलत हो जाएगा, अगर आपको बिंदी दिखाई ना तो कलम का है, कलम सब दाग कर दें, हो गया, बिंदी दिखाई दे रहा साफ साफ, बिंदी पर धंस जाएगा ऐसा, देखो गल गया, दबाने का मतलब वहाँ पर जाकर देखिए माप लिए, हुआ
सेकंड काम इस पर रख कर काट दीजिए। बोलिए समझे, कितना का बन गया? 30 डिग्री बन गया। कितना का बना? एक का बन गया, बाद में मिलाते हैं। चल मिला लीजिए, चलिए मिला देता हूँ, मिला के आगे तक बढ़ा देंगे। बन गया, इस डिग्री समझ में आया? आया सबको? ठीक उसी तरह इसको करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी माप यहाँ पर ऐसे काटेंगे, मापेंगे और काट देंगे। आया समझ में? करके दिखा दे क्या? देखिए तो फिर इस पर आएंगे, फिर ये से लेंगे, लेने के बाद इतना बड़ा कोई छोटा, या फिर ये पहले से कटा हुआ है ना उसी का माप ले लीजिए, आपको अलग से नहीं काटना है ऐसे। ठीक ठीक लेना है, देखिए देखो आप ठीक है, यही ना होगा, मान लो यही काट दिए, हो गया तो यहाँ से रख कर काट देंगे, हो गया। अभी कभी इसका दूरी ए आगे बढ़ाकर माप ले, माप लेना वही दूरी यहाँ रख के माप ले। बस हो गया, ये कितना हो गया? मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? 75 हुआ। कितना हुआ? 75। मुझे दिक्कत हो रहा था, मैं कलम से दबा दे रहा हूँ, आप भी कलम दबा सकते, गलत नहीं होगा। हो गया, ये जो जहाँ कटा त्रिभुज वही ना बनेगा, तीन भुजा से गिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं, ये है त्रिभुज। नाम आपको पता चल गया, यहाँ क्या होना चाहिए बताइए? पी पी। अच्छा कलम से नाम नहीं लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे, पी क्यू आर। हो गया त्रिभुज, समझ गया। अगला क्वेश्चन डालेंगे, आगे हम एक में पूरा दिखा दे रहा हूँ, पूरा पी क्यू आर बन गया। उसके बाद क्या बोला है? त्रिभुज पी क्यू आर के समान क्षेत्रफल विशिष्ट एक आयत क्षेत्र का, आयत में क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, सब पूछा है ना। आयत बनाना है, क्या बनाना है? नियम। त्रिभुज बनाने के बाद सेकंड नियम क्या है? पहले क्या करते हैं, नियम बताइए, याद है नियम ना? त्रिभुज से चतुर्भुज बनाना है, क्या बनाना? त्रिभुज से क्या बनाना? चतुर्भुज। चतुर्भुज चाहे आपका समांतर चतुर्भुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, कुछ भी हो, ठीक है, रामबस हो। पहला नियम क्या है? त्रिभुज बन गया। दूसरा नियम आप बताइए, दूसरा, इसके बाद दूसरा चरण, पहला चरण त्रिभुज बना, दूसरा चरण स्टेप टू बोले किसका? आधार का, आधार, आधार का आधा। चलिए आधा करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आधार ये है ना, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप का काम शेष, अब आधार का आधा करेंगे। आधा है, चलते आधा करने के लिए क्या किया जाएगा बताइए? आधा करने आता सबको? अब क्यू आर को आधा करना है, ध्यान पर क्यू आर पर रख, ये रेखा पर आधा करने से क्या, आधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? आधा से ज़्यादा लेते हैं, आधा से कम है ना माप। आधा तो यहाँ से होता है, यहाँ देखा जाए आधा तक यहाँ तो होता है, क्या आधा भी नहीं लेना, आधा से ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा ले सकते हैं आपको उस हिसाब से, पर आधा ज़्यादा लेना है। ये हो गया ज़्यादा अंदाज, मैं यहाँ पर काटा फिर नीचे जाता हुआ, फिर जिसको हम दूसरा बिंदु पर रखेंगे, कटा हुआ को सिंपल काट देंगे खाली, हो गया। कलम लेकर दबा दीजिए इस बिंदु को और इस बिंदु को, दबा दिए। उसके बाद मिला देंगे, मिल गया, इधर बिंदु मिल गया, तो
आधार का आधा हुआ, देखो यहाँ से आता है ना, ये बिंदु आधार है, आधार का आधा है ये, यहाँ से यहाँ और यहाँ से दोनों बराबर हो गया, आधा हो बोलते हैं। आगे आधा आधा कर दिए। अगला स्टेप बताइए, तीसरा बोलिए, आधा हो गया ना, कौन बनाना, क्या करेंगे कौन, अगर दिया है तो, अगर मैं इसलिए बोला हूँ दिया रहेगा तो, जैसे कि यह बोला आयत बनाइए, क्या बोला है आयत, तो आयत में क्या एक कौन 90 डिग्री का होता है ना, ऑलरेडी तो कौन है ये 90 डिग्री, सीधा मतलब क्या हुआ, इस पर ही बनाना है आपको कौन, इस पर बनाने की जरूरत है नहीं, नहीं दिया है इस जगह 40 नहीं ना बोला है, क्योंकि आया तो इसलिए नहीं बोला है, ठीक है 90 है ही, कुछ हम नहीं बनाएंगे, तो ये काम इस तरह हो गया। तीसरा चीज ये हो गया, ये समझ कम समझ गए क्योंकि बोला है आयत में, उसके बाद क्या करना है, एकांतर कोण के सहायता से समांतर रेखा खींचना, क्या तो समानांतर रेखा हो गया। आइए एकांतर कोण, ये देखिए ये है, इसके समांतर ये खोलेंगे ना, अगर मान लीजिए ये इसके मतलब ये हुआ, मैं एक ही दिखा रही हूँ आपकी तरफ से, ये समांतर रेखा है और ये काटा, ये तिर्यक हो गया, क्या बोलेंगे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुआ, क्या हुआ ये, अगर 5 रहेगा 50 तो भी कितना रहेगा बराबर होता है, इसको और से इसको ध्यान देंगे, अगर ऐसे है और एक ऐसे चीना काट दिया जाए तो ये तो एकांतर हुआ कि नहीं, ऐसे तिर्यक हुआ ना, ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना, हमको यही करना है, ये कोण के बराबर ये कोण करना है, आया समझ में, इस कोण के बराबर यही कोण हमको यहाँ बना देना है, अभी तक क्या दिए, ये कोण यहाँ बनाए, ये कोण फिर यहाँ बनाए, अब ये कोण यहाँ बनाना है, ये कोण कैसे बनाना है समझ में आ गया, ये दूरी मापेंगे काटेंगे ना, आया समझ में, चलिए तब प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, अब क्या है ये कोण को वहाँ बनाना है, हम करेंगे का मतलब 30 डिग्री बनाना है, समझे ना, ये 30 डिग्री है ना, क्या करेंगे हम इसी को माप लेंगे, माप लिए ठीक है, और यहाँ पर काट दिया, समझ में आया, एक बार ही काटेंगे दो बार नहीं बनाएंगे, समझ में आ रहा है, बीच वाला मापेंगे आप, माप लिए यहाँ रखकर काट दिए, आया समझ में, और फिर इस दो बिंदुओं को मिला देंगे, तो क्या होगा ये कोण बराबर ये कोण हो गया, मतलब एकांतर कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर होता है तो दोनों रेखा क्या होगा समानांतर हो जाएगा, ये तो ज़्यादा कर देंगे, ये दोनों रेखा क्या हो गया समानांतर रेखा हो गया, ये अगर सीधा रहे तो भी सीधा रहेगा, ये तिरछा रहेगा तो भी तिरछा रहेगा, डरिएगा मत, जैसे ये खींचेगा वैसा हो जाएगा, सीधा इसलिए इसका सीधा है, ठीक है, समांतर में दोनों के बीच का दूरी समान होता है, लंबाई बन गया समांतर, समांतर रेखा खींच दिए, उसके बाद माप कर काटना, तो अब काटना का ही काम बचा है, ठीक है, चलिए माप कर, किसको माप कर काटेंगे, इधर वाला का मापिए और काटिए, आंसर हो गया, ये यहाँ से खींच कर यहाँ माप लिए, और इस बिंदु अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर आप इस बिंदु को क्या कर रहे हैं, रखेंगे और एक काट, आ गया, अब आप बताइए आयत बना कि नहीं, देखो याद जैसा बना कि नहीं बता ना, बाकी नाम आप अपना नाम लिख दीजिए चाहे जो भी है, पी क्यू आर आगे बताइए एस टी, हो गया बन गया, इस त्रिभुज के बराबर, अच्छा ये पी तो इसका नाम दिया था ना, तो एस टी, तो ये पहले लिख दिए कोई बात नहीं, एस टी के बाद क्या होता है यू,
इस जगह पर नहीं दिया, आ गया समझे, इस त्रिभुज के बराबर ये। अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है। क्या लिखे, त्रिभुज ना बराबर ये आयत, आयत का अंकन करो, ये आयत हो गया, आ गया समझ में। क्या क्या किया देखिए, स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर दिखा दूँ। कौन बनाए पहले ये आयत, हो ये कौन बनाए, ये रेखा काट दिए और ये बैठा दिए, किसी दिन यहाँ बहुत बड़ा दिया था, किसी किसी में ये कौन देगा, ये को रेखा देगा, वही में तीन को रेखा दे दिया खाली। त्रिभुज बनाना है, आधा का आधा करना है, कौन बनाना है, समांतर रेखा करना काटना है, आ जाएगा।